खबरों में एक बार फिर रुख करेंगे रीवा की ओर। जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब तस्कर के घर प्रशासन ने हथौड़ा चलाकर उसके अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोक द्विवेदी ग्राम गढ़वा का रहने वाला है, जो लंबे समय से शराब की तस्करी करता था। ये शराब तस्कर शासकीय जमीन पर दुकान बनाकर उसी दुकान से शराब तस्करी करता था। इसके ऊपर तस्करी के 10 से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। इसके बाद भी यह तस्कर तस्करी करने पर रोक नहीं लगा रहा था, जिसके बाद राज्य प्रशासन ने पुलिस व राजस्व के अमले ने पहुंचकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। दरअसल शराब तस्करी करने वाला यह तस्कर गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़वा का निवासी है, जो काफी समय से शराब की अवैध तस्करी करता था। शासकीय जमीन पर यह दुकान बनाकर उसी दुकान से शराब की लंबे समय से तस्करी करता था। पुलिस ने इस आरोपी के ऊपर शराब तस्करी के 10 से भी अधिक मामले पंजीबद्ध किए हैं। बावजूद इसके यह तस्कर शराब की अवैध तस्करी करने में मान नहीं रहा था, उसके बाद आज प्रशासन ने इसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अशोक द्विवेदी गढ़वा श्रीपुरवा चौकी के अंतर्गत निवास करते हैं। ये एक गढ़वा में अवैधानिक रूप से एक निर्माण बनाए थे और उसमें शराब का कारोबार करते थे। पिछली दिनों इनसे 10 प्रकरण इनके शराब के पंजीबद्ध हैं और ये बार बार रिपीट कर रहे थे। इनका एक अवैध निर्माण जो था उसको कल पुलिस ने राजस्व के माध्यम से ध्वस्त गिरा दिया। जो ये 10 प्रकरण है वो 34(1) की कार्रवाई है शराब बेचने का, इसमें पुलिस के स्तर पर ही उसको उछलके में छोड़ा गया है।